अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये ले बेटा, लो वीरू भी आ गया। देख बेटा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। ले, मैं खिलाऊंगी। नहीं खाना है। वीरू, ये क्यों किया? बेटा, किस बात का जबरदस्ती का गुस्सा दिखा रहे हो तुम? दादी, मुझे पता लग गया है, दीदी की शादी जबरदस्ती हुई है। बल्कि शादी नहीं, बर्बादी हुई है। पर बेटा, मुझे नहीं पता कि पापा से ऐसा किसने करवाया, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है मौली दीदी की तकलीफों की असली वजह। वीरू, बहू, वीरू मौली से बहुत प्यार करता है। अगर कहीं मौली ने उसे बता दिया कि उसकी शादी किन हालातों में हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा हम लोगों से हमेशा के लिए नफरत करने लग जाए। नहीं, मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं। अपने ही घर में आग नहीं लगाने दूंगी मैं इस मौली को। से भी डरते, बुखार की इतनी हिम्मत? मौली, तुम्हें तो 102 बुखार है, और इतने बुखार में तुम एकदम मस्त हो। क्योंकि हम तो है ही मस्त मौली।
मौली ने वीरू को बता दिया कि उसकी सारी तकलीफों के पीछे मैं हूं और तुम और मैं मिले हुए, तो याद रखना मेरा घर तो जलेगा सो जलेगा, पर मैं तुम लोगों की जिंदगी भी स्वाहा कर दूंगी। ये भोलेनाथ भी ना किसी ना किसी को भेज ही देते इस मौली का हितैषी बना के। अब छोटी मलकाइन आप ही बताइए हम क्या करें? जो करना पड़े वो करो, बस मौली का मुंह बंद करवाओ। मौली की जिंदगी की आंच मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए, बस। समधन समझ लो, ये काम तो हो ही गवा। आग तो लगी है और उस आग में जली है ना सिर्फ मौली। Mm-hmm.